हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने कर्ल्स हेयर हैं। हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं लॉरियल की क्रीम से। अब देखिए कि मैंने लॉरियल की क्रीम से इस तरह से पूरे ही हेयर को पहले वॉश करवा लिया है शैम्पू से, फिर बाद में लॉरियल की क्रीम से इस तरह से पार्टिंग करते हुए अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। थोड़े थोड़े ही हेयर को इस तरह से लेते हुए हम क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने लॉरियल प्रोडक्ट का यूज़ किया है और मैंने ग्लव्स को पहन लिया है। आप ग्लव्स बिना भी लगा सकते हैं, पर आपकी स्किन कैसी है, आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इस तरह से हमें ग्लव्स पहन लेने ही चाहिए। इस तरह से हेयर में अच्छे से क्रीम को लगा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं और बहुत कम नहीं। इस तरह से हमें लगाते हुए कंघी को इस तरह से सीधे ही करते हुए हमें एक समान ही कर लेना चाहिए। इस तरह से अच्छे से क्रीम को हेयर में लगा लेना चाहिए। पूरे ही हेयर में आगे के हेयर को इस तरह से आगे की साइड ही लेने चाहिए और पीछे के हेयर इस तरह से हमें पीछे ही लेने चाहिए। और पूरे ही हेयर में लगा लेना चाहिए और हमें इस तरह से लगाने के बाद 45 मिनट या 30 मिनट के बाद हम हेयर को चेक कर लेना चाहिए कि उसका बॉन्ड टूटा है या नहीं टूटा है। इस तरह से हमें चेक करते ही रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हेयर की कंटेंसी कैसी है और हमको 45 मिनट ही रहने देना चाहिए, हम 30 मिनट बाद भी वॉश करवा सकते हैं। अब देखिए कि अब इसका बॉन्ड अच्छे से टूट गया है और हमने इसको हेयर को वॉश करवा लिया है। मैंने थोड़ा सा लॉरियल का स्पा क्रीम लेते हुए आधी चम्मच ही लेके इसे अच्छे से हमें रिमूव कर लिया है, पूरे ही क्रीम को निकाल लिया है। हमने पानी से ही इस तरह से धो लिया है और हम इस तरह से कोल्ड ड्रायर मशीन से अच्छे से हम बाल को सुखा रहे हैं और 90% तक हेयर हमारे सूख गए हैं। और इस तरह से हमें सीधे ही करते हुए आप देख सकते हैं कि उनका बॉन्ड अच्छे से ही टूट गया है और इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम पेडल ब्रश से थोड़े थोड़े से हमें कोल्ड मशीन से ही इस तरह से कोल्ड ड्राई ही कर लेना चाहिए। देखिए कि यह हेयर किस तरह से हुए हैं और हमने अब अच्छे से पार्टिंग करते हुए हम इस तरह से स्ट्रेटनिंग मशीन से हम अच्छे से ही स्ट्रेट कर रहे हैं। जो हमने क्रीम लगाई है वो बॉन्ड तोड़ा है, उससे हमने अच्छे से यह आयनिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 190 पर मशीन को सेट किया है और मैंने इस तरह से आयनिंग कर रही हूँ। आपकी स्पीड जो अच्छी है तो आप 210 पर भी कर सकते हैं। और अच्छे से इस तरह से पार्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे साथ में भी एक जन इस तरह से अच्छे से थोड़े थोड़े बाल लेते हुए हम दोनों जन इस तरह से हेयर को स्ट्रेट कर रहे हैं। पूरे ही हेयर में इतने इतने ही हेयर को लेते हुए हमको स्ट्रेट कर लेना चाहिए। मैंने थोड़ा सा ही यह स्ट्रेटनिंग का वीडियो दिखाया है ताकि आप बोर ना हो जाओ, पर मैंने किस तरह से करनी चाहिए इसलिए मैंने अच्छे से थोड़ी सी देर रहने दिया है। और आपको बोर हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर दीजिएगा। और इस तरह से मैंने हेयर को ले लिया है थोड़े थोड़े और इस तरह से ही हम धीरे धीरे ही करेंगे। पूरे ही हेयर में हम स्ट्रेटनिंग हो जाने के बाद न्यूट्रलाइजर क्रीम से अच्छे से यह स्ट्रेट को हम लॉक करेंगे। आप इस तरह से पूरे ही हेयर को हम कर रहे हैं।
या परमानेंट स्ट्रेटनिंग में हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेच हो जाने के बाद हमें 3 दिन तक बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसे पंखे के नीचे भी बैठना नहीं चाहिए, हवा भी लगनी नहीं चाहिए, पसीना भी लगना नहीं चाहिए और उसे अच्छे से ही सीधे सीधे ही हमें रखनी चाहिए और पानी भी उसे लगना नहीं चाहिए। तो आप जो परमानेंट स्टेट करा रहे हैं तो 3 दिन तक इस तरह से हमें बहुत ही केयर करनी चाहिए। अब ये न्यूट्रलाइज़र लोरियल का न्यूट्रलाइज़र क्रीम है, मैंने अच्छे से इस तरह से निकाल लिया है और निकालने के बाद मैंने इस तरह से हाथों से ही मैंने इस तरह से धीरे धीरे लगा लिया है पूरे ही हेयर में। इस तरह से हम लगाते हुए और कंघी से पूरे ही हेयर को एकदम से लग जाए, इस वजह से मैंने अच्छे से करते हुए उंगली से करते हुए और अच्छे से हम इसको न्यूट्रलाइज़र क्रीम को खींचते हुए इस तरह से ही हमें लगा लेना चाहिए। यह न्यूट्रलाइज़र क्रीम हम 10 मिनट तक रख लेना चाहिए और कस्टमर को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप बिल्कुल भी हलिएगा नहीं और यह क्रीम अच्छे से जो हले डूने बिना और अच्छे से हमारे हेयर को लॉक कर देगा और कस्टमर को बोल ही देना चाहिए कि आप बिल्कुल भी हिले डुले बिना बैठे रहिएगा। हमारा न्यूट्रलाइज़र क्रीम को हमने वॉश कर लिया है और अच्छे से बालों को सुखाते हुए आप देख सकते हैं कि अब तो मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा एकदम ही स्ट्रेटनिंग हो गया है। पर थोड़ा थोड़ा सा हमने आयनिंग कर दिया है। अच्छे से न्यूट्रलाइज करने के बाद, क्रीम लगाने के बाद हमें स्ट्रेट मशीन का तो ज़रूर ही नहीं होती है, हमारा स्ट्रेटनिंग प्रोसेस अच्छे से हो गया है तो हमें स्ट्रेट प्लग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो भी आप देख लीजिए कि किस तरह से हमें थोड़े थोड़े से शाइनिंग देने के लिए इस तरह से थोड़े थोड़े से हमें स्ट्रेट कर लेने चाहिए और आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा हुआ है। यह परमानेंट स्ट्रेट हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेटनिंग कैसा हुआ है। यह स्ट्रेटनिंग का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और यह पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यह कंप्लीट स्ट्रेट हो गया है, आप देख सकते हैं कि इसकी शाइन भी एकदम ही कंप्लीट आ गई है और एकदम ही स्ट्रेट और सिल्की शाइनी हमारा परमानेंट स्ट्रेटनिंग हो गया है। यह कंप्लीट वीडियो हो गया है और वीडियो को लाइक कर देना और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।